बच्चों, आज की इस वीडियो में हम द्रव्य की अवस्थाएं वाले चैप्टर में गैस लॉस का अध्ययन करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम आज बॉयल्स लॉ यानी कि बॉयल के नियम का अध्ययन करेंगे। तो हम द गैस लॉ के अंतर्गत बॉयल के नियम का अध्ययन करते हैं, बॉयल्स लॉ। तो ये पहली बात है कि गैसीय नियम क्या होते हैं। गैसों के व्यवहारों का, जब हमने प्रयोगों के माध्यम से गैसों के व्यवहारों का अध्ययन किया, तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आए, तो उनसे हमने जो है गैसों संबंधी नियम बनाए। तो ये नियम मुख्यतः बॉयल का नियम, चार्ज का नियम, गैलोसाक का नियम, और ये हमारे मुख्य नियम हैं, एवोगैड्रो का नियम। तो हम बॉयल के नियम का अध्ययन करते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में यह रूल दिया, बॉयल का नियम दिया। इसमें यह कहा गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की, हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया और गैस का डेफिनेट मास लिया, गैस की निश्चित मात्रा का, और हमने आयतन और दाब में संबंध देखा। तो गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है, उसके दाब के, उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके प्रेशर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये नियम जो है बॉयल का नियम कहलाता है। क्या किया हमने यहाँ पर, V लिया, माना गैस का आयतन V है, गैस का प्रेशर P है, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P। या हम यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इंटू 1/P। या हम यहाँ से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K यानी कि कॉन्स्टेंट। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब का गुणनफल स्थिर ताप पर नियतांक होता है। तो इसको देखें, यदि हम दो अलग अलग गैसों के लिए लें, तो ये जो दो अलग अलग गैसों के लिए हम लेंगे, तो पहली गैस का प्रेशर P1 है, पहली गैस का आयतन V1 है, और दूसरी गैस का प्रेशर P2 है, उसका आयतन V2 है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो है हमारा बॉयल का नियम है, ठीक है ना। तो ये स्थिर ताप पर होगा और स्थिर गैस की निश्चित मात्रा के लिए होगा, स्थिर टेम्परेचर पर और निश्चित मात्रा के लिए होगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हम इसको समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। इसको यदि हम ग्राफ के माध्यम से समझें, तो हम यदि P और V के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो देखते हैं कि हम P और V के बीच में किस तरह का ग्राफ आता है। P और V के बीच में देखिए इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये प्रेशर है y एक्सिस में, और ये x एक्सिस में वॉल्यूम है, आयतन है, और यहाँ दाब है, प्रेशर x एक्सिस में, y एक्सिस में प्रेशर है और x एक्सिस में वॉल्यूम है। तो इसके बीच में जब हम अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ खींचते हैं, तो इस तरह के ग्राफ आते हैं, T1 टेम्परेचर, T2 T3। यहाँ पर T3 की वैल्यू ज़्यादा है, T3 T2 से ज़्यादा है, और T2 T1 से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू K, इससे हम देख सकते हैं PV इज इक्वल टू K आता है, कांस्टेंट आता है। इसी को देखिए, हम यदि हम इसको दूसरा ग्राफ इसमें देखें, इसी में यदि हम पी वी की जगह पर पी और 1/V के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए ये किस तरह से आता है, पी और 1/V के बीच में ग्राफ ये इस तरह से आता है हमारा। हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, देखिए। तो देखिए यदि हमने P और V के बीच में ग्राफ खींचा, तो वो इस तरह से आ रहा है, और P और 1/V, क्योंकि P और 1/V क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, उनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि P और 1/V के बीच में, चूंकि P और 1/V प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो इसलिए P और 1/V, इसलिए इसके बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, पी प्रोपोर्शनल टू 1/, इसके ग्राफ को हम देख सकते हैं। अब हम इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। देखिए
आंकिक प्रश्न हल करना बहुत जरूरी है इसमें। देखिए न्यूमेरिकल है हमारा, एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो यह गुब्बारा फूट जाता है, यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है। चूंकि देखिए ये कमरे के ताप पर ये हो रहा है सब, तो ये यहाँ पर स्थिर ताप है, तो हमारा ये बॉयल के नियम से संबंधित उदाहरण है। तो हम बॉयल के नियम का इसमें बॉयल के नियम को अप्लाई करेंगे। तो क्या हो रहा, देखिए हमें एक बार दाब गैस दे रखी है और उसका 2.27 लीटर आयतन दे रखा है, तो यदि हम P1 ले लें, पहली एक बार दाब को P1 ले लें और उसका वॉल्यूम V1 है 2.27 लीटर, और जो P2 है वो दे रखा है हमें 0.2 बार, और हमें V2 निकालना है, दूसरा आयतन निकालना है। तो हमारा देखिए हमने क्या दिया हुआ है, हम इसको देखिए कर लेते हैं हल। P1 दिया हुआ है हमें, इस सवाल में देखिए P1 दिया हुआ है हमें 1 बार, V1 दिया हुआ है हमें, पहला आयतन दिया हुआ है इस कॉरेस्पॉन्डिंग 2. देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, 2.27 लीटर, 2.27 लीटर हमारा V1 दिया हुआ है हमें, और P2 दिया हुआ है हमें 0.2 बार, V1 दिया हुआ है हमें 2.27 लीटर और P2 दिया हुआ है हमें 0.2 बार, 0.2 बार प्रेशर दिया हुआ है, देखें एक बार दूसरा जो प्रेशर दिया हुआ है देखिए कितना है, 0.2 बार है ना, पहला P1 है 1 बार, V1 है 2.27 और P2 है 0.2 बार। तो अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है हमें, V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम से, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम P1 V1 इजिकल टू P2 V2 निकालेंगे। तो यहाँ से हमने V2 निकालना है, तो V2 इजिकल टू हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। तो इसमें रख दीजिए P1 कितना है 1, V1 है 2.27 और P2 है हमारा 0.2। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये 22.7 आ गया, पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये 2 × 2 × 2 11.35 लीटर आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा, तो ये जो V2 है हमारा यही पूछ रहा है वो दूसरा आयतन, ये 11.25 लीटर आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम हल करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सा लॉ से संबंधित है। चूंकि यहाँ पर ताप स्थिर था तो बॉयल्स लॉ से संबंधित था, तो हमने P1 V1 इजिकल टू P2 V2 लगाया, तो V2 इससे हमारा निकल गया 11.35 लीटर। अब आप इससे संबंधित होमवर्क नोट कर लीजिए, इसको आप फोटो ले लीजिए, इसका बॉयल के नियम को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है स्थिर ताप पर दाब व आयतन के मध्य ग्राफ बनाइए। तीसरा है न्यूमेरिकल है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक बार दाब पर वायु के 500 घन डेसीमीटर आयतन को, 500 DM³ है ये आयतन को, 200 DM³ तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। और चौथा क्वेश्चन है स्थिर ताप पर पी व 1/V के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ये क्वेश्चंस को आप हल करिए और इसमें अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल्स की जो है प्रैक्टिस करिए।